गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 के अंतर्गत रीडिंग ए देखेंगे और जिसमें चैप्टर का नाम है द रेस। रेस मतलब होता है बच्चों दौड़। तो चलिए रीडिंग करना चालू करते हैं। तरुण वास आ मेडिकल स्टूडेंट, हिज ग्रेड कुड ब्रेवली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स एंड ही वास नॉट अ गुड सिंगर डांसर पेंटर और इवन एन एक्टर। ही ऑलवेज थ्रू ऑफ हिमसेल्फ इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। हिज एल्डर ब्रदर हु वॉज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनी थिंग लाइक दैट। बच्चों यहाँ पर एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है तरुण। तरुण वॉज मेडिकल, मेडिकल मतलब होता है मतलब साधारण, ठीक है, साधारण, एक साधारण दर्जे का एक स्टूडेंट था, नॉर्मल स्टूडेंट था। हिज ग्रेड और उसके जो नंबर थे, जो उसके ग्रेड्स थे, उसके पेरेंट्स को सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, कभी संतुष्ट नहीं कर पाते थे। हिज पेरेंट्स मतलब उसके जो पेरेंट्स थे उसके बारे में कहा गया। एंड ही वॉज नॉट गुड और वो गुड नहीं मतलब वो अच्छा नहीं था किसी में, सिंगिंग में, डांसिंग में मतलब डांस करने में, पेंटिंग करने में और इवन यहाँ तक कि वह एक्टिंग करने में भी अच्छा नहीं था। ही ऑलवेज वह हमेशा खुद को, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को, स्वयं को ब्लैक शीप ऑफ फैमिली, ब्लैक शीप समझा करता है। तो मतलब ब्लैक शीप मतलब होता है बेकार, ठीक है, बेकार समझा करता था वो। हिज एल्डर ब्रदर और उसका जो बड़ा भाई था जो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक अच्छी संस्था से प्रयास कर रहा था मतलब वहाँ पढ़ाई कर रहा था, उसे उस फैमिली के लोग उनके ऊपर प्राउड किया करते थे, उसके बड़े भाई के ऊपर। बट जो तरुण था ना, नेवर गुड एट एनी थिंग लाइक दे, वो किसी चीज़ में उसकी इच्छा नहीं लगती थी, जैसे आप लोगों की नहीं लगती पढ़ने में, है ना, आप पढ़ोगे ना, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाउ एवर ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलेटिक, ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर, ही वुड रन फॉर हावर बी इट डे और नाइट। वेन एवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग थॉस रिलीजिंग ऑल हिज पेंट अप इमोशन। एट टाइम ही वुड मिस हिज स्कूल बस एंड वुड देन रन टू द स्कूल विच वॉज 5 miles always from his home. He just had one dream to become the faster runner in the world. Tarun did not know how to achieve his dream. One hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his study, which he never did. On the other hand, he belonged to a middle class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an intensive training, the amount which was well beyond his family reach. However, मतलब होता है बच्चों फिर भी उसके पास एक ना महान ताकत थी। क्या ताकत थी कि वह दौड़ सकता था, एक महान कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी की तरह उसके में ताकत थी। ही वॉज एक्सलेंट रनर, वह तेज दौड़ने में माहिर था, ठीक है, रनर मतलब होता है दौड़ने वाला जो होता है ना उसको बोलते। ही वुड रन फ्रॉम हावर बी इट डे एंड और नाइट, ठीक है, वह कई घंटों तक दौड़ सकता था, दिन रात, चाहे वो दिन हो या फिर रात, वो दौड़ सकता था। जब भी वह कभी ना दुखी या फिर अकेलापन महसूस करता था ना, तो वह दौड़कर अपने थकान को चूर कर लेता था, मतलब थकते तक दौड़ता था। इस तरह वह अपनी दबी हुई जितनी भी उसकी इमोशंस होते थे उसे मुक्त करता था, इतना दौड़ता था। जब कभी उसके स्कूल का बस छूट जाता था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, एट दैट टाइम ही वुड मिस, कभी वो मिस हो जाता था उसका स्कूल का बस, तो क्या करता था, वो दौड़कर ही स्कूल जाता था, जो उसके घर से 5 मील दूर था। उसका स्कूल जो था वो कितना था, वो 5 मील दूर था।
उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, लिखा हुआ ही जस्ट हैड वन ड्रीम टू बिकम फास्ट रनर। कौन सा सपना? कि वह विश्व का सबसे बड़ा रनर बने। रनर मतलब क्या होता है बच्चों? धावक। तरुण को मालूम नहीं था कि वह अपने स्वप्न को कैसे प्राप्त करे। इस तरह उसे माता पिता, जो उसके माता पिता थे ना, वे उसके दौड़ से हेट करते थे, मतलब नफरत किया करते थे। वह चाहते थे, मतलब उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई में दे, लेकिन जो तरुण था उसको कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दूसरी तरफ एक साधारण परिवार से वो क्या करता था, बिलोंग करता था वो। तरुण को मालूम था कि अपने स्वप्न, मतलब जो उसका जो स्वप्न था रनर बनने का वर्ल्ड में, उसे वो प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे, जो कि उनके परिवार के लिए संभव नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार क्या था, उतने सक्षम नहीं थे। व्हेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जाम, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विथ हिम। हिज फ्रेंड टू मेड फन ऑफ हिम। इट वॉज डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टूक टू रनिंग। ही रन ऑल राउंड द पार्क, द सन बीट डाउन टू चिक हिज रेंज, बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुली एग्जॉस्टेड एंड हिज फुरी हैविंग सबसिस्टेड, ही threw himself on a bench and started to pant. जब तरुण ना उसके टर्मिनल एग्जाम हुआ, उसमें वो फेल हो गया, तो हिज फादर, उसके जो पिताजी थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया, किससे? तरुण से। हिज फ्रेंड, और उसके जो फ्रेंड थे वो भी उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। वह एक दिन क्या किया, वह अपने जीवन को मिटाना चाहता था, इरेज करना चाहता था, मतलब मिटाना चाहता था, इसलिए वह दौड़ना शुरू किया, और वह पार्क के चारों ओर दौड़ता रहा। ठीक है, सूर्य उसके क्रोध को दबाने की कोशिश की, लेकिन तरुण को कोई नहीं रोक सका। मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि वो दिन भर दौड़ता रहा हो, तभी दौड़ते हुए उसका क्रोध थोड़ा सा कम हुआ। भाई दौड़ते दौड़ते अब वो थका होगा, और थकने के बाद उसका क्रोध थोड़ा सा कम हुआ, वह बेंच पर जाकर बैठ गया। ठीक है, बेंच में जाके बैठा और हाँफने लगा। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, व्हाट इज सन, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या आवाज़ सुनाई देती है, यह क्या है बेटे? तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट अ मैन ऑफ अबाउट 16। तरुण अपने बाएं तरफ देखा और वहाँ एक 60 वर्ष का व्यक्ति बैठा था। आई फेल्ड इन टू सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाई इन आ डिप्रेस्ड टोन। डिप्रेस्ड मतलब थोड़ा गुस्सा वाला जो टोन होता, उस टोन में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आई फेल, मैं फेल हो गया हूँ दो सब्जेक्ट में। तरुण रिप्लाई देता है, जवाब देता है। ठीक है, डिप्रेस्ड मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा गुस्से में। द मैन रिप्लाइड सिंपेथेटिकली एंड सेड, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन बॉय, बाय द वे आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवन सी। जो वह व्यक्ति था ना, वो स्माइल करते हुए, सहानुभूति करते हुए उससे कहता है, क्या कहता है, जीवन मतलब लाइफ, लाइफ अप्स एंड डाउन है, जीवन उतार चढ़ाव वाला है बेटा। बाय द वे आई एम नारायण, मैं राम नारायण हूँ, जहाँ तक मैंने देखा तुम एक अच्छे रनर हो, एक उच्च दर्जे के, मतलब क्या बोलते हैं, धावक हो। आई सी, मैंने देखा। राम नारायण, राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु ओन एन ओलंपिक मेडल इन 400 मीटर्स रेस इन द 1916। तरुण कुड नॉट हाइड हिज एग्जिस्टमेंट। राम नारायण, राम राम नारायण, क्या आप वही राम नारायण हैं जो 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में मेडल प्राप्त किया था? तरुण, आपके आवेग को
छिपा नहीं सका, मतलब जो उसका आवेग, मतलब जो उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट था उसको वो छुपा नहीं सकता, उसको हिंदी में हम बोलते हैं आवेग। यस पेट कम द रिप्लाई, तरुण वास डेजल्ट। हाँ थपथपाते हुए उत्तर दिया तरुण, मैं वही हूँ करके। देर इज़ अ रेस ऑन चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, चिल्ड्रन ऑफ यू एज आर कम्पीटिंग देयर, इफ़ यू विन दैट रेस आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, सेड राम नारायण। ठीक है, नेहरू स्टेडियम में बाल दिवस के दिन क्या था, एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा था, तुम्हारे उम्र के जो बच्चे हैं दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, यदि तुम उस दौड़ में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दूंगा, रामनारायण ने किससे कहा, तरुण से। देट इज नो बिग डील थ्रो तरुण, आई विल सर, ही हर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्वेंशन। यदि कोई यह कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है, तरुण ने सोचा, थॉट मतलब सोचना, मैं दौड़ूंगा सर, आई विल मतलब मैं वो चीज़ को मैं करूँगा। उसने अपने आप को पूरी दृढ़ विश्वास से कहते हुए सुना, फाइन बॉय इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर यू टू विन इट, टेल मी व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड राम नारायण। ठीक है, इट इज़ माई जॉब, यह मेरा जॉब है कि तुम्हें रेस में मैं एंट्री दिलाऊंगा, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें जीतना है, टेल मी बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है, राम नारायण ने पूछा। तरुण, तरुण कपूर सर, तरुण बोलता है, तरुण, तरुण कपूर सर, तरुण आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 डे टू गिव यू योर पार्टिसिपेंट्स कार्ड, ऑल द बेस्ट, सेड रामनारायण एंड लेफ्ट। तरुण आई विल मीट यू हियर, 5 दिन बाद मैं तुम्हें मिलूंगा और जो पार्टिसिपेशन कार्ड है वो मैं तुम्हें दूंगा, ऑल द बेस्ट, सेड रामनारायण कहता है ऑल द बेस्ट और चला जाता है। द नेक्स्ट डे बॉट अ न्यू रे ऑफ होप, तरुण गॉट अप अर्ली हैड मिल्क एंड बिफोर हिज मदर कुड फिश हर क्यूरी ऑन व्हाट ही वॉज अप टू, ही रैन आउट एंड वेंट टू द नेहरू स्टेडियम टू चेक डिटेल ऑफ द रेस, ही वॉज वेरी इंडेड। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, रे ऑफ होप मतलब आशा की एक किरण आई, तरुण जल्दी उठा, तरुण गोट अप अर्ली, तरुण जल्दी उठा, उसने पहले दूध पिया, मतलब दूध को क्या किया उसने, फिनिश किया और उसके बाद चला जाता है, उससे पहले उसकी माँ उससे पूछ नहीं पाती, और नेहरू स्टेडियम के लिए दौड़ने की विस्तृत जानकारी के लिए निकल पड़ता है, मतलब नेहरू स्टेडियम में कैसे दौड़ना है सब चीज़ तो जानना था ना उसको। वास्तव में वह बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी इंडेड, वास्तव में वो क्या था, वो बहुत खुश था। तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद जिल, एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning एंड रन 10 miles इन द इवनिंग्स, ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू 100 meter डिस्टेंस प्रिस्क्राइब बाय द कंपटीशन, ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम अप एंड सो ही वुड हिज मदर एवरीथिंग। तरुण जो था अपनी पूरी प्रिपरेशन एकदम उत्साह के साथ चालू कर देता है, प्रतिदिन एवरीडे मतलब प्रतिदिन वह क्या करता था, सुबह 4 बजे उठता था और मॉर्निंग में कितना मील, 10 मील दौड़ा करता था, इन द इवनिंग शाम के समय 1000 मीटर प्रतिस्पर्धा हेतु निर्धारित रूप से उसी के अनुसार अपना दौड़ पूरा करता था। वह चाहता था कि हर चीज़ परफेक्ट हो, वह यह भी चाहता था कि कोई उसका सहयोग करे और उसकी माँ को
हर चीज़ बता दी, ठीक है ना। वह चाहता था, टोल मतलब बताना चाहता था अपनी मार को हर चीज़। तरुण प्रैक्टिस्ड विगोसली फॉर 5 डेज एंड देन मीट राम नारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड। तरुण कैस्ट एट द पीस ऑफ पेपर विच मीन्ट सो मच टू हिम, नो मैटर वाट ही हैड टू विन दिस रेस, ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर वाट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड दैट कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट। तरुण 5 दिन तक बहुत एकदम उत्साह के साथ क्या करता है, प्रैक्टिस की मतलब तैयारी की, और फिर वह राम नारायण जी से अपनी जो सदस्यता कार्ड थी, मेंबरशिप वाली जो कार्ड थी, उसे प्राप्त करने के लिए उनसे मिला। तरुण ने उस कागज़ के टुकड़े को ध्यान से देखा, जिसका अर्थ उसके लिए बहुत कुछ था। उसमें कोई बात नहीं थी कि वह दौड़ जीत जाए, वह अपने पिता को दिखा देना चाहता था कि वास्तव में परिवार का नकारा व्यक्ति नहीं था। मतलब अपने आप को वास्तव में दिखाना चाहता था कि पापा मैं नकार व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब ब्लैक शीप मतलब नकार व्यक्ति, वह कम से कम किसी चीज़ में अच्छा तो है। देन केम नवंबर 14 आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर। तरुण पेडल्ड अवे टू द स्टेडियम, देयर वॉज हग क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड। तरुण इंटर द ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड रीड पार्टिसिपेशन ओनली विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड। इनसाइड देयर वेयर अबाउट 15 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग फॉर द रेस टू बीन। जब 14 नवंबर आया तो उसकी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद तरुण साइकिल में स्टेडियम पहुँचा और वहाँ एक बहुत बड़ा भीड़ अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहा था। तरुण ऑफिस में गया जहाँ पर सूचना लिखी थी कि केवल पार्टिसिपेशन ओनली, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल वो जा सकते हैं। उसके हृदय की धड़कन हर सेकंड बढ़ रही थी, जो उसकी हार्ट बीट थी ना बढ़ रही थी। अंदर में लगभग 50 जो पार्टिसिपेंट थे दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। समवन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर्स, हेलो तरुण, इट वॉज राम नारायण, ऑल द बेस्ट ही सेड अफेक्शनेटली। किसी ने उसके कंधे को थपथपाया, हेलो तरुण कहा। वह कौन था? तो राम नारायण था। बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, इट बोलता है ऑल द बेस्ट मतलब होता है बहुत बहुत बधाई, उसने प्यार से कहा। तरुण स्माइल्ड बट डिड नॉट से अ वर्ड, तरुण मुस्काया लेकिन कुछ नहीं कहा। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइन अप, सभी जो प्रतिस्पर्धी थे वो क्या हो गए, कतार में खड़े हो गए, लाइन अप हो गए। इच वन होपिंग टू विन द रेस, और प्रत्येक जो दौड़ने वाले की उम्मीद कर रहा था, जितने जो भी थे ना, सभी विन मतलब सभी जितने भी थे वो सब क्या सोच रहे थे कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। इच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड ऑन द स्टैंड टू चीयर ऑफ देम, प्रत्येक के परिवार के सदस्य और जो उसके दोस्त थे वो भी जोश देने के लिए आए थे। टू हिज अमेजमेंट तरुण शॉ हिज मदर इन द स्टैंड, देयर फियर द फियर इन हिज आइज चेंज टू कॉन्फिडेंस। उसके लिए आश्चर्य था कि तरुण ने अपनी माँ को वहाँ देखा, मतलब उसकी माँ भी आई थी। उसकी आंखों का डर अब आत्मविश्वास में बदल गया था, मतलब उसको कॉन्फिडेंस होने लगा था। द विसल ब्लू एंड ऑल द पार्टिसिपेशन स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट, दे वर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस। इन द लीड
वॉज फास्टर ऑफ देम ऑल तरुण, सेइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी। तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। सीटी बजी और सभी जो पार्टिसिपेंट थे वो अपनी ताकत के साथ दौड़ने लगे। वे सभी एकदम दृढ़ विश्वास के साथ दौड़ रहे थे। किस लिए दौड़ रहे थे? कि मैं विनर बनूंगा, मैं विनर बनूंगा। बढ़ते जा रहे थे, सब तेज दौड़ रहे थे। तरुण अपने आप को सबसे आगे देखकर तरुण को अपने आप में बहुत गर्व हुआ। मतलब तरुण सबसे आगे दौड़ रहा। ऑन द ट्रैक देयर वॉज सो पाथ एस ही वॉज रनिंग फास्ट, तरुण डिड नॉट नोटिस दैट ही स्लिप्ड। ब्रीथिंग फास्ट ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम। ही कुड नॉट बी लूजर टूडे एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही गोट अप टू रन वंस मोर। बींग क्विक तरुण ओवरटूक अ फ्यू किड्स अहेड ऑफ हिम। बट एज फेट वुड हैव इट ही स्लिप्ड अगेन। जब तरुण दौड़ना चालू किया तो वहाँ पर जो पाथ था, जो रास्ता था ना, वो थोड़ा सा उथला था, चिकनापन था वहाँ का। चूँकि तरुण तेज दौड़ रहा था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो क्या हो जाता है, फिसल गया, फिसल जाता है। उसकी जो हार्ट बीट थी, जो श्वास थी, वो तेज चलने लगी। उसने देखा कि दूसरे जो बच्चे हैं उसे पीछे छोड़ आगे जा रहे हैं, आगे निकल गए। वह आज हारना नहीं चाहता था और इसलिए बिना सेकेंड गंवाए, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए, वह उठा और एक बार फिर से दौड़ने लगा। तेज होने के कारण तरुण ने कई बच्चों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन भाग्य कुछ ऐसा था, वह फिर से फिसल गया। वाट वॉज हैपनिंग टू हिम, ही वुड नॉट बियर इट। ही लुक्ड इन टू द क्राउड एंड सॉ हिज मदर, सी वॉज सेइंग समथिंग टू हिम, गेट अप सन, गेट अप एंड रन। जो उसकी माँ थी ना, दौड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसके साथ क्या घटित हो रहा है उसको समझ में नहीं आता। वह सहन नहीं कर पा रहा था। वह भीड़ में देखा और फिर अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ उसके लिए कुछ कहती है कि उठो बेटा, उठो और दौड़ो। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, ही वॉज अमंग द लास्ट फ्यू, बट ही डिड नॉट गिव अप। वंस मोर ही ओवरटूक सम चिल्ड्रन सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच, ही फेल अ थर्ड टाइम। फिर से तरुण उठा। वह आखिरी में कुछ लोगों के मध्य में था, मतलब बीच में था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर से उसने कई लड़कों को पीछे कर दिया। चूंकि वह अपने क्रोध की दशा में बेचैन था, वह फिर तीसरी बार गिर जाता है। टीयर वेर रोलिंग डाउन हिज चिक्स, हाउ विल ही गेट इन टू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल नाउ, हाउ विल प्रो टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड, ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ। वह क्या होता है जब दौड़ता है ना, टीयर मतलब होता है आंसू। उसके जो आंसू है ना, उसके चिक्स मतलब गले में ऐसा लगता है जैसे लुढ़क के आने लगते हैं। अब वह राम नारायण जी के स्कूल में प्रशिक्षण कैसे ले पाए, वह अपने माता पिता को कैसे सिद्ध करके दिखा सके कि वो अच्छा है। वह भी एक प्रतिभागी था, मतलब एक टैलेंटेड था। वह अब उस व्यक्ति का आखिरी रनर था। ही टर्न हिज आइज टूवर्ड द स्टैंड, देन ही हर्ड राम नारायण स्क्रीमिंग फ्रॉम समवेयर, कम ऑन तरुण रन, एंड सो ही गॉट अप एंड थर्ड टाइम। दिस 12-year ओल्ड डिटरमाइंड बॉय हु वॉज लॉस्ट ऑन द ट्रैक गॉट अप एंड रन विथ ऑल द स्ट्रेट ही हैड। वह अपनी आंखों से स्टेडियम के चारों ओर देखने लगा। तब उसे कहीं से राम नारायण जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, उठो तरुण
और दौड़ो। और फिर से वह तीसरी बार उठा और दौड़ने लगा। यह 12 साल का दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बालक, जो उस पंक्ति का मतलब उस रो में सबसे आखिरी लड़का था, वह उठा और अपनी पूरी ताकत के साथ क्या क्या दौड़ने लगा। द क्राउड वॉज चेयरिंग फॉर पवन, द बॉय हु हैड वन द रेस, बट टू तरुण्स सरप्राइज देयर वॉज लाउडर अप्लियंस वेन ही क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन लास्ट। द ऑडियंस चेयर फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वॉलर फॉर नेवर गिव अप। पूरी भीड़ के पवन के लिए खुशी जाहिर कर रही थी, ठीक है, मतलब वहाँ एक लड़का था पवन, उसके लिए खुशी जाहिर कर रही थी। वह लड़का जो दौड़ जीत चुका था, लेकिन तरुण के लिए आश्चर्य ये था कि उसके लिए अत्यधिक प्रसन्नता हुई जब उसने समाप्ति की आखिरी पंक्ति को पार किया। पूरी भीड़ उसके दृढ़ प्रतिज्ञा और उसके साहस के लिए, उसकी दौड़ के लिए कि वह उस दौड़ को छोड़ा नहीं, उसके लिए खुशी जाहिर कर रहे थे। ही ब्लेस्ड हिज हैट विद सेम एंड सेड टू राम नारायण, आई एम सॉरी सर, आई लॉस्ट। वह शर्म से अपना सिर राम नारायण जी के सामने झुकाते हुए कहता है, मुझे खेद है सर, मैं सॉरी हूँ सर कि मैंने जीत नहीं पाया, ऐसा या फिर आई लॉस्ट। नो सन, टू मी यू हैव वॉन द टू हर्ट रेस, द रेस ऑफ यूअर लाइफ, यू गोट अप एंड स्टार्टेड अ फ्रेश इस टाइम, यू फील यू आर अ रियल लाइफ हीरो, यूअर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज आइज हिज ईयर, टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हग्ड हिम एंड सेड, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। जब वो लास्ट में बोलता है कि सर सॉरी करके, सर मैं ये मैच नहीं जीत सका, नहीं बेटा, मेरे लिए तुम्हारे सबसे कठिन दौड़ को जीता है, मेरे लिए तुमने सबसे कठिन दौड़ को, तुम्हारे जीवन की दौड़ जो है, तुम्हारे जीवन की दौड़, प्रत्येक बार तुम गिरे लेकिन उतनी ही बार उसी उत्साह के साथ उठे और फिर से दौड़े, तुम वास्तव में जीवन के नायक हो, मतलब हीरो हो, तुम्हारा प्रशिक्षण कल से शुरू होगा, ठीक है, जो ट्रेनिंग होगा वो कल से शुरू होगा, यू आर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो, कल से शुरू होगा। तरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, ठीक है, तरुण को विश्वास नहीं होता है, टीयर फील्ड और उसके आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। ही स्माइल्ड एट हिज मदर, वह अपनी माँ गले लग जाता है, इस सब चीज़ को बात करते हुए गले लग जाता है और मुस्कुराते हुए उसकी माँ कहती है, तुम विश्व के सबसे अच्छे बेटे हो।